स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ये ब्लॉग देख के आपकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों, ये ब्लॉग आपकी लाइफ बदल गया दोस्तों। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और क्या हाल चाल है आप सभी का, मैं आ चुका हूँ वापस एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा नाम है दीपेंद्र। और कैसे हैं आप सभी लोग? कल वाला ब्लॉग बहुत अच्छा बना था मेरा, आमरस वगैरह बनाया था, अच्छा चल भी रहा है। और आज वैसे मैं अपने बगीचे में घूम फिर रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये एक बेड टाइप लगा दिया गया है। अभी इसके ऊपर जो बेल है ये चढ़ेगी और घुले मिलेगी और उसके बाद इसमें लगेंगे फल, सब्जी लगेगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दूंगा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ को लेकर। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है कि मतलब जीरो, अभी आपको पता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो घूमने फिरने का बजट अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं बस ये रिकॉर्ड सेट करना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल के मोनेटाइजेशन सीधा बस घर में ही व्लॉग बनाकर इनेबल करवाना चाहता हूँ, अपनी एक अचीवमेंट अनलॉक करना चाहता हूँ। और आप सभी को जो मेरी तरह है, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है और व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, उनको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप घर में रहकर भी, घर के अपने खुद के मतलब ज्यादा लोगों को दिखाकर भी नहीं, अपनी खुद की पर्सनैलिटी दिखाकर, खुद के विचार, खुद की बातें दिखाकर व्लॉगिंग कर सकते हो, मोनेटाइजेशन एबल करवा सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो बस यही मेरी जर्नी है मिडिल क्लास बॉय की। तो अगर आप नए हो तो आप मेरी जर्नी को ज्वाइन करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। What's up danger? गाइस ये देखो, ये मेरा परफ्यूम है और मैंने इसके ऊपर ये क्यों लगा के रखा हुआ है अब बताता हूँ आपको। ये देखो ये ना नीचे करके टूट गया था, पर इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, जब टूट गया था नीचे करके तब ये इतना था, इतना। और उसके बाद मैंने एक या दो बार इसको लगाया हुआ, वो ये उड़ता 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 अभी इधर तक आ गया। चलो कहीं बात नहीं, मम्मी आलू का पकौड़े बनाने देने वाली है। हाँ मम्मी, मुझे लगा पकौड़े बनने वाले हैं पर नहीं, बनने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ बीन्स। बीन खिला खिला के मम्मी मुझे मिस्टर बीन ही बना रहे। बहुत बीन बनती है, इसलिए बनते होंगे, हमारे घर के पास ही लगी हुई है गाड़ी। क्या ही कर सकते हैं यार, घर का माल है, खाना तो पड़ेगा। मैं सोचता रहता हूँ यार, पता नहीं कभी जाके वीडियो वगैरह कभी वायरल होगी, कभी लोग पहचानना शुरू करेंगे इस मिडिल क्लास के गुमनाम लड़के को। कितना ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। ओह माय गॉड, मैं ना किसी से मिलने से मना नहीं किया करूंगा। हाँ सबसे फोटो खिंचाया करूंगा, फोटो अगर खिंचाता है तो सबसे खिंचाया करूंगा फोटो, और गले मिला करूंगा, थैंक यू बोला करूंगा, ऐसे नजरें चुरा कर नहीं भाग करूंगा अभी भी। और पर क्या कर सकता हूँ मैं, मतलब जो लोगों को पसंद होगा ना जिंदगी में, मैं वो करना पसंद करूंगा। और अच्छे काम ज्यादा क्या, हर अच्छा काम करना, मैं वैसे भी अभी भी अच्छे काम ही करना पसंद करता हूँ। भगवान के घर में जाता हूँ तो उनसे भी कुछ कहता हूँ, शेयर नहीं करूँगा क्योंकि शेयर की ही बात भगवान से अगर लोगों को बता दें तो फिर वो बात कम्प्लीट नहीं होती। टीवी देखने बैठा था, लाइट चली गई। चश्मा मैंने ना लेंस कार्ड से लिया था, इसमें से क्लाउड बहुत अच्छा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देख रहा है आसमान, अभी देख रहा है इसके साथ। एकदम नीला चश्मे के बगैर ऐसा, चश्मे के साथ ऐसा लग रहा हूँ कि नहीं, 90s का बीजीस। गाइस मुझे लगता है सांप है। किधर? ये इधर, ये इधर, उधर पंछी रहते हैं तो काफी चीख रहे हैं, उनके अंडे खाने आया होगा। नींबू पड़े हैं, स्किन केयर करते हैं थोड़ी सी चेहरे की। तो जलन काफी करता है, पहले होठों के ऊपर लगाते हैं।
थोड़ी देर ही बाद में स्किन भी तो मेरी ही ग्लो करेगी। कश्मीर ने लगा तो लिया चेहरे के ऊपर, पर ऐसा लग रहा है लाल चिट्टियां काट रही हैं बहुत सारी। वो पानी कश्मीर ने जल्दी उतार लिया क्योंकि बहुत जलन हो रही थी, तो मैं ये लगा रहा हूँ। हेलो बीता गाइस, देखो मच्छर ने काटा था, मैंने छील दिया, ऐसे लग रहा है जैसे सांप ने काटा हो। गाइस देखो सुंदर चेहरा ग्लो कर रहा है पूरा नींबू के पानी से और एलोवेरा के जेल से, एकदम नूर आ गया चेहरे के ऊपर। और क्या कर सकते हैं गाइस, गर्मी बहुत लग रही है आज, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर लिखा चुका है कि मोबाइल गर्म हो चुका है आपका। काश यहाँ पंजाब में बर्फ गिर जाए, हेमयोग आ जाए। अगर हेमयोग आ गया, हाँ यार सर्दी को तो भगा सकते हैं मोटे कपड़े पहन के, गर्मी को कैसे भगा सकते हैं यार, तो ज्यादा अच्छे।